स्टॉपिंग बाय। तो जैसे कि अभी आपने देखा एक छोटा सा वीडियो अबाउट एन एग बॉयलर, तो ये एग बॉयलर है टुसा कंपनी की तरफ से और ये रेडिली अवेलेबल है अमेजोन पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके रिव्यूज भी चेकआउट कर सकते हैं वहां पर। तो आज के वीडियो में मैं बस इसी का रिव्यू और डेमो देने वाली हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अपने ब्रेकफास्ट को थोड़ा हेल्दी और थोड़ा फास्ट बनाने के लिए, तो देखते रहिए आज का वीडियो। तो सबसे पहले बॉक्स खोल लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉक्स है और सबसे पहले खुलते ही जो है इसके अंदर क्या क्या है वो लिखा हुआ है, जैसे कि क्विक स्टार्टअप गाइड है, रेसिपी बुक है और साथ ही में अगर ट्रबल शूटिंग होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है उसको कैसे हैंडल करना है वो सब एक बिग बुकलेट में आपको बताया गया है। तो ये दो बुकलेट्स हैं इसमें, ये जो छोटी वाली है ये क्विक स्टार्टअप गाइड है कि कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसमें, और ये जो बड़ी वाली है इसमें आपको सब कुछ बताया है मेंटेनेंस से लेकर अगर कुछ खराब हो जाता है, और पीछे रेसिपीज दी हुई हैं। तो अब ये पूरी मशीन निकाल कर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये सबसे पहले इसका पिन है, ये 2 पिन है और आई थिंक इसमें 350 वॉट्स की पावर जो है वो लगती है। तो ये सबसे ऊपर है, ये लिड है, प्लास्टिक से बना हुआ है, सब कुछ फूड ग्रेड है और ये छोटा सा होल जो आप देख रहे हैं ये स्टीम निकलने के लिए है। उसके बाद जो ये ट्रे आप देख रहे हैं ये एग ट्रे है जिसके ऊपर एग्स जो है लगाने हैं आपको, और ये जो नीचे है बेस है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है जिसके अंदर आप पानी डालेंगे, और ये इंडिकेटर लाइट है और नीचे स्विच है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पर ये जो है मेजरिंग कप है जिसके ऊपर सब कुछ साफ साफ लिखा है, सॉफ्ट हार्ड मीडियम पोच्ड एग या फिर ऑमलेट, जितना भी आपको जैसे भी जो भी बनाना है उस हिसाब से आपको पानी जो है इसमें डालना है। इसी के नीचे एक पिन दिया हुआ है जिसमें आपको एग में होल करना है ताकि स्टीम निकले और एग फटे नहीं। ये वाली ट्रे जो है ये पोच्ड एग के लिए है, मतलब सनी साइड अप वाले जो एग्स होते हैं वो बनाने के लिए, और ये वाली ऑमलेट ट्रे है। ये सब जो प्लास्टिक है फूड ग्रेड प्लास्टिक है, BPA फ्री है, आपको बिल्कुल उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले एग बॉईल करने के लिए। तो हम ये ट्रे निकाल देते हैं और जैसे भी आपको अपने एग्स चाहिए, हार्ड सॉफ्ट या मीडियम, उस हिसाब से आप पानी इसमें भर लीजिए मेजरिंग कप में। मुझे हार्ड बॉयल्ड चाहिए तो मैं सबसे मैक्सिमम वाले पॉइंट तक पानी भर लूँगी और इस ट्रे में डाल लूँगी। अब इसके ऊपर एग वाली ट्रे में प्लेस कर रही हूँ और अब मैं एग्स लूँगी, और मुझे फ़िलहाल 2 ही एग्स चाहिए तो मैं 2 एग्स लूँगी और उनमें इस पिन की मदद से होल कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से 1 से लेकर 7 तक कितने भी एग्स इसमें लगा सकते हैं। तो ये जो मोटा वाला साइड है, जो ज़्यादा ब्रॉड साइड है, उसके ऊपर आप छेद करेंगे और जो थोड़ा नैरो वाला साइड है उसको आप लगाएंगे ट्रे के अंदर। तो अब मैं इसमें होल करने जा रही हूँ, जो बहुत ही ईजिली ऐसे घुमा कर हो जाता है। ये एग बॉयलर खासकर हाउसवाइफ, बैचलर्स और फिटनेस फ्रीक्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जिनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कम समय में आप जल्दी से बना सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अब मैं यहाँ पे लिड क्लोज कर रही हूँ और स्विच ऑन कर रही हूँ, तो इसमें ऑटो कट है, जैसे ये हो जाएंगे सारे एग्स अपने आप ये बंद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ओवर डन हो गया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर स्विच ऑफ हो गया है, अपने आप ऑटो कट हो गया है। अब खोल के देख लेते हैं, अभी एग्स बहुत गर्म है तो आप ध्यान से उठा लीजिए, मैंने यहाँ पे उठा ली है विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। तो अब मैं इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि ओवर कुकिंग ना हो। अब मैं एक एक करके खोल के देखती हूँ कि मेरे हिसाब से जितना होना चाहिए था उतने हुए हैं या नहीं। बहुत ईजिली पील हो रहे हैं एग्स और एकदम सॉफ्ट एंड शाइनी लग रहे हैं।
काट के मैं देख रही हूँ यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे जैसे मुझे चाहिए थे परफेक्ट मेड एग्स हैं ये, गुड लुकिंग एग्स हैं। और ट्रस्ट मी, इतने कम टाइम में बिना टेंशन लिए कि अरे ज़्यादा उबल गए, अरे कम तो नहीं हो गए, बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ऑमलेट बना के दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बेस में डाल लूँगी पानी, जितना ऑमलेट के साइन तक जितना पानी आना चाहिए उतना डाल लूँगी बेस में, और फिर से ये एग वाली ट्रे जो है इसके ऊपर प्लेस करूँगी, और उसके ऊपर हमें ये ऑमलेट ट्रे प्लेस करनी है। तो अब नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं एग को फेंट कर, और जो भी आपको ऐड करना है, फ़िलहाल मैंने मिर्ची और थोड़ा सा प्याज जो है इसमें ऐड किया है, और इसको फेंट लेंगे अच्छे से। नमक मिर्ची वो आप अपने हिसाब से, जैसे भी अपना आप एग पसंद करते हैं वैसे आप बना लीजिए। वैसे तो ये बिना ऑयल के भी बन जाएगा, बट मुझे अपने एग में थोड़ा सा घी का जो फ्लेवर है वो पसंद है, तो मैंने वो ट्रे के ऊपर हल्का सा लगा लिया है। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स इस ट्रे में रखती हैं, अब इसको बस क्लोज़ कर देंगे और सेम स्विच ऑन कर देंगे और वेट करेंगे जब ये ऑटो कट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, थोड़ी देर बाद पूरा फूल गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसे फूल जाएगा, लेकिन आप जैसे लिड उठाएंगे वो श्रिंक भी हो जाएगा, वो स्टीम की वजह से थोड़ा आपको फूला हुआ लगता है। तो अब मैं निकाल के देख लेती हूँ और टेस्ट करके कि कैसा बना है। तो काफ़ी अच्छा और टेस्टी सा तो दिख रहा है। अब मैं टेस्ट करके और इसको कट करके इसकी फ्लफीनेस चेक कर लेती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, खाने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप गैस पे बनाते हैं वैसा ही लग रहा था, और बिल्कुल परफेक्टली कुक था। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है इसकी बॉडी के बारे में, जो कि बनी हुई है फूड ग्रेड प्लास्टिक से। सिर्फ इसका जो बेस है, जो जिसके अंदर आपको पानी डालना है, वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, बट वो एनीवेज आपको टच नहीं करना है, बाकी सब जो है बना हुआ है फूड ग्रेड प्लास्टिक से। तो आपको शॉक लगने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है, आप इसको स्विच ऑन किए किए भी इधर उधर खिसका सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। और दूसरी बात ये कि इसमें है ऑटो कट, जिसकी वजह से आपका काम जो है सुबह का बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ आपको जो रेसिपी बनानी है उसको आप प्रिपेयर करके रख दीजिए और भूल जाइए, वो अपने आप ऑटो कट हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, तब तक आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। जनरली जब आप अंडे उबालते हैं या कुछ ऑमलेट बनाते हैं तो आपको वहीं पर खड़ा रहना पड़ता है कि अंडे क्रैक ना हो जाएं, ज़्यादा ना पक जाएं, कम ना रह जाएं, बार बार चेक करना पड़ता है, जिससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो ऑटो कुक फीचर है इसकी वजह से आपका बहुत टाइम बचेगा। साथ ही में सिर्फ अंडे ही नहीं उबाल सकते हैं, आप इसमें और भी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं जो इसकी रेसिपी बुक में दी हुई हैं। कई सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो आप इसमें उबाल सकते हैं, इनफैक्ट आप इसमें डम्पलिंग्स जो मतलब मोमोज होते हैं वो भी बना सकते हैं स्टीम से। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है, सिर्फ एक एग बॉयलर नहीं है, ये आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। और एक बात इसकी और है कि ये गैस के मुकाबले काफ़ी कम बिजली खर्च करता है, सिर्फ 350 वॉट्स इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो है। और अगर यही आप जाएंगे गैस को देखने तो वो काफ़ी ज़्यादा गैस जो है कंज्यूम हो जाती है ये सब रेसिपीज बनाने में, इनफैक्ट अंडे उबालने में भी, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। नेक्स्ट आता है, इसके साथ आपको तीन एक्सेसरीज मिल रही हैं। एक तो आपको इसके साथ एग ट्रे मिल रही है जो नॉर्मली हर एग बॉयलर में मिलती है, इनफैक्ट लोकल एग बॉयलर्स में भी वो तो होती ही है, लेकिन लोकल एग बॉयलर से आप थोड़ा बचिएगा क्योंकि उसका प्लास्टिक जो है अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो वो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट कर सकता है। तो एक तो इसमें एग ट्रे है, दूसरा इसमें आपको मिल रही है एक ऑमलेट ट्रे जिसमें आप ऑमलेट बना सकते हैं, और तीसरी एक्सेसरीज में जो आपको मिल रही है वो है एक पोच्ड एग ट्रे, मतलब जो सनी साइड अप वाले जो एग्स होते हैं वो बनाने के लिए एक अलग से ट्रे आपको दी जा रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें तीनों रेसिपीज जो अंडे की नॉर्मली इंडियन घरों में बनती है वो सारी आप इसमें बना सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना गैस के पास खड़े हुए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया। और वारंटी की बात की जाए तो एक साल की वारंटी तो एनीवेज आपको प्रोडक्ट के साथ मिल ही रही है, लेकिन अगर आप इसकी वारंटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं फॉर वन मोर ईयर, सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप आपको करना है, इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है, एंड दैट इज इट, आपको दो साल की वारंटी जो है मिल जाएगी। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि आजकल की दुनिया में जो कि बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, ऑयल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं मोस्टली लोग, तो इसमें आपको ऑयल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं
नहीं है जब तक आप ना चाहें। आप इसमें जो कुकिंग होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ स्टीम, जिससे कि आप अपनी जो भी सारी कुकिंग है वो कर सकते हैं, तो ऑयल का यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, इसके साइज़ की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और जिसकी वजह से आप इसको ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आप ऐसी कोई जगह जा रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि आपको खुद का खाना बनाना है, या फिर आपको इजी रेसिपीज़ चाहिए, या फिर अगर आपको हॉस्टल में जाना है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर खाना बनाना मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको ले जा सकते हैं एंड ईजिली अपने जो है अंडे खा सकते हैं। अंडों के अलावा भी इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट। आज के वीडियो में इतना ही था। ये प्रोडक्ट के बारे में जितनी सब इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, डेमो हो सकते थे, मैंने आपको सब दे दिए हैं। आपकी मर्जी है, आपको चेकआउट करना है, खरीदना है, देयर इज नो फोर्सिंग। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। एंड ऑल्सो मैं अपने चैनल पे गिव अवे बहुत ही जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ, एज सून एज वी रीच 30K सब्सक्राइबर्स। सो यू गाइज स्टे कनेक्टेड। Also, you can follow me on Instagram. ये मेरा Instagram ID है, ताकि आपको जो भी सारी information है first hand मिल सके, क्योंकि मैं ज़्यादा active Instagram पे रहती हूँ। आप मेरी stories check out कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं, we can be friends there, हम लोग आपस में बात कर सकते हैं one on one. So, बस guys, मिलती हूँ आपसे अपनी किसी next video में। Till then, you guys take care. Bye.